आज हम आपको लेकर चल रहे हैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जो कि अबोर में स्थित है। ये कॉलेज 1975 ईस्वी से इस इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा है। हजारों की गिनती में विद्यार्थी यहां से पढ़कर अपना उज्जवल भविष्य बना चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज लाभ सिंह आलूवालिया और इकबाल सिंह आलूवालिया जी की रहनुमाई में चल रहा है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। अगर आप भी अपना सुनहरी भविष्य बनाना चाहते हो तो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अबोर जरूर पहुँचे। हमारी टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल सर से बातचीत की, जिन्होंने कॉलेज के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अबोहर। सेवा कर रहे ने भावना उन्होंने जनून की कहना चाहोगे कोई सेहत संबंधी मैडिकल सिक्ख्या प्रफुल्लित करने होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज और हस्पताल अबोहर का बड़ा वड्डा अमुला योगदान है कि 1975 इस कॉलेज की स्थापना हुई सी और इस हॉस्पिटल की जी एक अलग तो पहचान है कि उत्थे सिर्फ एक होम्योपैथी के साडे जिहड़े आ इनडोर पेशेंट भी तो जिहड़े ओपीडी भी है वह साडी मुकम्मल तौर पर हमेशा ही चुस्त ते दुरुस्त रहिंदी है और उन्हें विच जिहड़ी बच्चों नू जिहड़े होम्योपैथी कॉलेज जिहड़े सिक्ख्या लैंदे आ डॉक्टर बनने वास्ते जो मुढ़लियाँ उत्थे जो लोड़ां हस्पताल दीआं उह असीं पूरीआं करदे आ। शहर लोन का बड़ा ही एक वड्डा योगदान है और उस दे नाल ही कॉलेज विच क्योंकि ये सारा एक पुराना एक कॉलेज साडा 75 तो जो पंजाब च होंदे करके साडे कोल इत्थे टीचरां दी कोई कमी नहीं है और इसे ही कॉलेज चों जो विद्या लैके और इतने ही पढ़ाते आपके जज्बे नाल और मैं भी इसे कॉलेज ही पास आउट 1983 च तो एक अलग तरह की एक जो साड़ी सोच है इंस्टीट्यूट प्रति वो सारे धइए नाल सारे लगे हुए हैं और गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नाल कॉलेज की अफिलिएशन है संबंधित है और 22 जो सेंटर काउंसल जो नैशनल काउंसल ऑफ होम्योपैथी हूँ असं कहने उन्होंने दिल्ली उनके नाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आयुष डिपार्टमेंट है उसके नाल उसकी मान्यता जी रेगूलर तौर पर उस कॉलेज में मिलती रहती है। होम्योपैथी कॉलेजों के जो एडमिशन के बारे जो है एक उस वास्ते सारे को बड़ी एक जानकारी की लोड़ होती है और उस ही अगे ले जाने वास्ते साडे कॉलेज की मैनेजमेंट जो कि पिछले 5 साल तो आलूवालिया परिवार जो है सरदार लाभ सिंह जी आलूवालिया चेयरमैन ने सरदार इकबाल सिंह जी आलूवालिया सैक्रेटरी ने और उन्होंने सारे जी जान नाल इस कॉलेज की सेवा च समर्पित हैं और उन्होंने खास तौर पर इस कॉलेज को संभाल के अपने फिर उसका पुनर गठन एक बार इस तरह करने की लोड़ पैंदी है कि उतार चढ़ाव कॉलेज आते रहते हैं तो उन्होंने फिर इन्हों वापस इस कॉलेज को पैरों से खड़ा किया तो उस दे नाल सब उस तो जिहड़ा एक वड्डा जोर जो कॉलेज की पढ़ाई तो सिक्ख्या दे म्यार उच्चा करते हुए जो मैडिकल
ਦੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਡੇ 20 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਔਰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 100-125 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏ ਸੀ ਰੂਮ ਵੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸਦੀ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਔਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 3-3 ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਖਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ 1500 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨਿਕਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੇਨਈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 75 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ MBBS ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਨੀਟ ਦੀ
उन्हें जो ये ठीक है भी थोड़े जे जिनी मैरिट भी वो तो वह बच्चे लैके आने उन्होंने को अच्छे जो स्टाफ अच्छे स्टूडेंट्स मिलने तो उसकी प्रीख्या 17 जुलाई में है और 22-23 के दाखलों वास्ते भी ये एक जरूरी हो सारे अपील भी करते हैं सारे जिथे तक भी साड़ी आवाज जा रही है कि वो इस इन्नी जो असं इन्नी मेहनत कर रहे आलू वाली परिवार दिन रात इस कॉलेज की तरक्की वास्ते एक बहुत ही चंडीगढ़ तो आके मोहाली तो और अबोर च एक बिल्कुल दूसरे आके वो जो मेहनत कर रहे सानू उन्हां ते भी फकर है और माण है और उसका जो सेवावां दा जो इत्थे मुढ़लियां सेवावां असीं दे रहे हैं उसका जो सारे फायदा उठाण ते चंगी सिख्या लैण ते उस तों वधिया डॉक्टर चंगे बनण दे नाल इक चंगे इंसान बनण यही साडा तैया ते प्रण है ते यही साडी जिहड़ी है कामना है परमात्मा अगे भी तो असं सारे अपील करते हैं भी इस इंस्टीट्यूट में जरूर अगे वध चढ़ के इस अगे अगे लैके आना बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ योर फीलिंग है और पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? आप शाम से यहाँ रह रहे हो, जब उनको बताते हो पंजाब के बारे में, इस कॉलेज के बारे में कि हम लोग हर प्रदेश से हैं यहाँ पर, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है, तो कैसा उनको? और पढ़ाई कैसी है यहाँ पर? अच्छी है। और खाना कैसा है? खाना भी अच्छी है। फ्रॉम वेयर यू अमन? आई एम फ्रॉम गुजरात। क्या सोचते हो आप कि कोई समय था आज से 20-25 साल पहले जब होम्योपैथी का जो नाम था लोगों को ये लगता था यार थोड़ी स्लो है, लेकिन आजकल कैसे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे ये चीज़ अभी COVID-19 के एपिडेमिक में जिस तरीके से होम्योपैथी ने एक बहुत बढ़िया पैथी बन के उभरी है, लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज अभी कोरोना चल रहा है, कॉलेज फिर भी हमारा चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोविड सबसे कोरोना टेस्ट करवा के सभी को यहाँ पर रखा जा रहा है और टीचर भी सभी मिल रहे हैं सभी बैच में, अच्छे स्टूडेंट भी अच्छे हैं, टीचर सही पढ़ाते हैं, रोज़ टीचर आ जाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क कहाँ है? बढ़िया। किस तरीके के मतलब तुम लग रहा है कि असं एक प्री प्रैक्टिकल जड़े है डॉक्टर बन जाएंगे जिस तरीके से सेवा दे रहे हो तुम? कितना दी पढ़ाई बेटा? कितना अच्छा कॉलेज है, दूसरे कॉलेज के तुलना में रिजल्ट भी अच्छा रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी अच्छी जो है स्टडी करते हैं, पंजाब के जो दूसरे होम्योपैथी कॉलेज हैं उसकी तुलना में अच्छा रिजल्ट रहता है इस कॉलेज का। बेटा कितना लग रहे थे? अच्छा कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉपरेटिव। और यहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं? बहुत अच्छे, वो बहुत कॉपरेटिव है। हॉस्टल में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और खाना वगैरह सब बढ़िया है यहाँ पे, हमें अच्छा लगता है और सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी है काफ़ी, कोविड से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक किसी बच्चे को, वी ऑल आर सेफ। बहुत अच्छा है इधर, सब कुछ बहुत अच्छा है। कहाँ से? मैं यूपी मेरठ से हूँ। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश से। कैसा लग रहा है इधर स्टडी प्रैक्टिकल? सब सही। कहाँ से हो? हरियाणा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कॉलेज। और जैसे हर डाल के पंछी यहाँ बैठते हैं और एक इकट्ठ में आप लोग यहाँ अपने जब पढ़ते हो और कल्चरल एक्टिविटी जैसे होती है तो कैसा लग रहा है कि आपको लगता है कि हम लोग रंगों में रंगे हुए हैं? हाँ, काफ़ी कुछ अच्छा फील होता है यहाँ पे, हर स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पे, मणिपुर से लेके तमिलनाडु तक हर जगह के बच्चे हैं, काफ़ी अच्छा मिक्सचर है यहाँ। बेटा कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया लगता है इधर, और टीचिंग भी प्रैक्टिकली भी सब कुछ सब बढ़िया है, टीचिंग स्टाफ बढ़िया है, प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे। बेटा केवल स्टडी नहीं साथ में कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टाइम पे फंक्शन होते रहते और आप लोग पार्टिसिपेट करते हो? पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग स्टेट से उनके डांस होते हैं, अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा ग्रीनरी एक 20 एकड़ में बनी हुई ग्रीनरी जिससे लोग तो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमें वैसे मिल रही है। ग्रीन कैंपस होने का यहाँ पे बहुत बड़ा सबसे बड़ा फायदा है, सिटी से बिल्कुल बाहर है तो ग्रीन कैंपस होने का बहुत ये बेनिफिट है। किदा टीचर कैसे ने, किदा प्रिंसिपल जो है सारे कोऑर्डिनेट करते हैं? किदा टीचर साढ़े बहुत वधिया ने, प्रिंसिपल सर भी बहुत वधिया ने, हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं सानू ते हमेशा मतलब सही सजेशंस भी देते हैं स्टडी के लिए। स्टोर वेस्ट एचएमसी बेस्ट, स्टोर वेस्ट एचएमसी बेस्ट, स्टोर वेस्ट एचएमसी बेस्ट।